أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। दोस्तों मैं आज आपको जो है तीन मल्ले का बहुत ही खूबसूरत घर दिखाने जा रहा हूँ। ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फ्रंट एलिवेशन इस घर का। यहाँ कम से कम 5 से 6 घर बने हुए हैं इस स्ट्रीट में और सारे के सारे तकरीबन सेम डिज़ाइन के हैं। घर बहुत ही साफ़ सुथरे और शानदार बनाए गए हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है और घर भी बहुत प्यारे हैं सारे। ये इसकी जो इसका जो रास्ता आ रहा है आप देख सकते हैं, ये इस घर का अपना फ्रंट एलिवेशन और ये गेट से हम इंटर हो रहे हैं अब इस घर के अंदर। इस घर में है तकरीबन सारा ही बड़ा अच्छा सफाई से काम किया गया है, टाइल मार्बल और सीनिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत की गई है। ये नीचे टाइल फ्लोरिंग आप देख लें बहुत ही खूबसूरत है। गैराज के अंदर ये गैराज है और गैराज से जो है एक रास्ता सीढ़ियों के ऊपर जाता है, एक रास्ता ये ड्राइंग रूम को निकाला हुआ है, गेट दरवाज़ा दिया गया है और एक रास्ता जो है जो मेन इंट्रेंस है वो घर के उस इसमें दिया गया है। ये इसका ड्राइंग रूम है, इस घर का ड्राइंग रूम ये सेपरेट किया गया है, इसमें दीवार और दरवाज़ा लगाया गया है ताकि एक प्राइवेसी हो। अब जो है मैं आपको जो मेन इसकी इंट्रेंस है वहाँ से लेके जाता हूँ। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ये इसका टीवी लाउंज है इस घर का, ये आप देख सकते हैं। और ये किचन है इस घर का, जो नीचे का पोर्शन है उसका किचन है। किचन में कबर्ड लगाए गए हैं लकड़ी के, बहुत ही बेहतरीन साफ़ सुथरा काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। टाइल जो है फ्लोरिंग टाइल जो है बहुत ही खूबसूरत है। किचन में जो है अपना एग्जॉस्ट के लिए भी जगह रखी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका बेडरूम है, बेडरूम में आप देखें कि पीछे वेंटिलेशन दी गई है, ये इसका बेडरूम। और बेडरूम में जो है खूबसूरत लकड़ी की जो है कबर्ड बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो है ये इसका वॉशरूम है इस नीचे वाले बेडरूम का। तो नीचे जो है 2 वॉशरूम हैं और ऊपर जाके देखते हैं, ये बेहतरीन खूबसूरत जो है ये बनाए गए हैं, बेहतरीन किस्म का आप देख सकते हैं। मेरे ख़्याल में यहाँ सीलिंग नहीं की गई और ये अपना यहाँ पे जो छत है उसको प्लास्टर किया गया है। बाकी मज़ीद भी वीडियो में देख लेते हैं कि क्या इसमें बनाया गया है। बाकी ये फ्लोरिंग टाइल आप देख लें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरी लगाई गई है। अब ये रास्ता ऊपर को जा रहा है, ऊपर का पोर्शन देखते हैं। सेपरेट पोर्शन है, मतलब है, अगर हमें रेंट पर देना है तो उनका रास्ता ही अलहदा है, जो अगर फैमिली को रेंट पे रहना चाहती है। तो ये ऊपर आप देख लें बहुत ही खूबसूरत पत्थर लगाया गया है सीढ़ियों के ऊपर भी, और स्टील की रेलिंग भी साथ लगाई गई है। ऊपर जाके जो है 2 बेडरूम है, एक टीवी लाउंज और एक किचन दिया गया है, और दोनों बेडरूमों के साथ जो है अटैच वाशरूम दिया गया है। और ये आप देखेंगे एक बेडरूम है, बेडरूम में जो है लकड़ी का बेहतरीन किस्म के कबर्ड बनाए गए हैं, अलमारी वगैरह ड्रेसिंग वगैरह बनाई गई है। ये एक ये घर है, सॉरी ये एक बेडरूम है और एक बेडरूम जो है ये इसका वॉशरूम उस बेडरूम का। एक टीवी लाउंज के सामने जो है वो दिया गया है बेडरूम। ये वॉशरूम, और ये वेंटिलेशन जो पीछे दी गई है नीचे तक हवा की क्रॉसिंग के लिए। ये दूसरा बेडरूम है, इसमें फ़िलहाल सोफे रखे गए हैं बैठने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बाहर का आप देख सकते हैं, यहाँ से विंडो रखी गई है हवा की क्रॉसिंग के लिए। ये वॉशरूम ऊपर वाले दूसरे बेडरूम का अटैच वाशरूम है जिसमें सोफे लगाए गए हैं। ये टाइल देखें बहुत ही प्यारी और बहुत ही शाइनिंग किस्म की टाइल लगाई गई है, खूबसूरत टाइल लगाई हुई है। 3 मल्ले का घर है दोस्तों। अब मैं आपको जो है इसकी लोकेशन समझाता चलूं कि ग्रीन टाउन में जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें 5 नंबर गेट से हम जब आते हैं तो एक 73 फाटक आता है, 73 फाटक उसके पास जो है ये
छोटे से कटिंग की गई है और उसमें जो है ये घर बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत घर है। अब मैं बताता चलूँ कि इस घर की जो डिमांड है वो 65 लाख है। ये किचन देख लें, चाय बन रही है, जिसने पीनी है फिर उसके नसीब में होगी। और ये इसके लकड़ी के कबर्ड हैं जो किचन में दिए गए हैं, और बाहर जो है टेरेस है, खूबसूरत टेरेस है। तो ओवरऑल अगर मैं इस घर को एनालाइज़ करूँ तो बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है, साफ़ सुथरा घर है, और प्राइवेट आप कह लें कि प्राइवेसी है यहाँ पे। आपकी अलग ही कटिंग है, अलग ही आप बैठे हैं, आपके साथ जो जितने भी रह रहे हैं वो अलग ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा वीडियो तक ले जाते जाता हूँ। बहुत सब सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।